और यूपी से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में बुधवार सुबह एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह स्पष्ट हो पाएगी। मृत जवान के साथियों ने बताया कि वो कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जवान का नाम शत्रुघ्न विश्वकर्मा था। 25 साल का शत्रुघ्न अंबेडकर नगर का रहने वाला था। राम मंदिर परिसर में सुबह गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनकर साथी सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि शत्रुघ्न खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ है। उसे गोली लगी थी। साथी जवान उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से घायल जवान को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवान की मौत से अयोध्या मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया है। आईजी और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने खुद घटनास्थल की जांच की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। एक बार फिर से आपको बता दें कि शत्रुघ्न विश्वकर्मा 2019 बैच का था। अम्बेडकर नगर के थाना सम्मनपुर के गांव कजपुरा का रहने वाला था। एसएसएफ में तैनात था। एसएसएफ फोर्स को 4 साल पहले योगी सरकार ने मंदिर की सुरक्षा के लिए गठित किया है। मृत जवान के साथियों ने बताया कि घटना से पहले शत्रुघ्न मोबाइल देख रहा था। वह कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान भी चल रहा था। पुलिस ने उसका मोबाइल भी जांच के लिए भिजवाया है। पुलिस ने मृत जवान के परिवार को सूचना दे दी है। परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वालों को यकीन ही नहीं हो रहा कि शत्रुघ्न अब इस दुनिया में नहीं है। सीधे सीने माथे पे गोली लगी, अब कैसे लगी है जानकारी नहीं। हाँ, जांच हो इसको। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। क्या हमारे मित्र हैं ये? जी। क्या जानकारी आपको दी गई? जानकारी प्रशासन की तरफ से सुबह हमको दी गई। हम सबको, मतलब पूरे परिवार को, मित्र मंडली को यही पता चला कि इनको गोली लग गई है। जी, सब लोग यहाँ आए तब पता चला कि ये एक्सपायर हो गए हैं। जी, कहाँ पे तैनात है? ये राम जन्म भूमि पे तैनात थे भैया। कब से इनकी तैनाती थी? तैनाती इनके भैया वही होली के आसपास हुई थी। यहाँ पर आप तो खास मित्र थे। जी, कोई वार्ता वगैरह होती थी? वार्ता कभी कदार हुआ करती थी, लेकिन ये था कि जब घर पे आते थे तो मुलाकात हुआ करती थी। बराबर शांत स्वभाव के आदमी थे, ऐसा कोई उनका वो नहीं था। जी, बातें वगैरह बताते थे ऐसी कोई बात? मतलब किस तरह की बातें? यही कि हम वहाँ पे हैं, कहीं पर हैं, पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत लेके बात नहीं होती थी भैया, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। जी, और कुछ चैनलों पे जो ये आत्महत्या की बात दिखाई जा रही है, गलत दिखाई जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद आप दिखाइए कोई जवान एक्सपायर हुआ है, एक्सपायर था नहीं कोई, जो आप आत्महत्या दिखा रहे हैं ये गलत चीजें हैं। जी, क्या मांग करते हैं आप? मांग है कि इसकी जांच करवाई जाए, निष्पक्ष जांच करवाई जाए कि ऑन ड्यूटी कैसे आदमी एक्सपायर हो गया, ये जांच का विषय है। ना कि ये कह देना कि ये आत्महत्या किए हैं, क्या किए हैं। ऑन ड्यूटी आदमी आत्महत्या कैसे कर लेगा? परिवार कितने सदस्य हैं? परिवार में ये 4-5 भाई हैं, एक बहन है, 2 बहन है। जी जी, ये जांच का विषय है, इसको जांच करा जाए। कुछ पत्रकार लोग दिखा रहे हैं आत्महत्या, ये गलत चीज, आत्महत्या उन्होंने नहीं की है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।